Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Privy College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing topics over the main theme of elementary education, or you can say primary education, in which already I have discussed UEE, that is Universalization of Elementary Education, but still there is so much to explore in this topic. So I have made another topic on the goal of universalization of education. Means, कि जो सार्व शिक्षा के सार्वत्रीकरण का लक्ष्य है, हमने elementary education के संदर्भ में उस पर बात की है, पर वो और आयामों को भी टच करता है जो उस वीडियो में रह गया था. तो एक ये दोबारा मैंने कोशिश की कि आपसे डिस्कस कर सकूं, और इसके बाद मुझे बहुत सारी बातें करनी है, जैसे डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, SSA, सर्व शिक्षा अभियान. तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि भारतवर्ष में शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लक्ष्य को कैसे अंगीकार करने की कोशिश की गई है. ओके, एंड द लेक्चर विल बी बाइलिंगुअल. यू विल गेट कंटेंट इन इंग्लिश एज एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, एंड इट मस्ट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट. शिक्षा का सार्वत्रीकरण, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस वक्त ये बातें हो रही हैं. हमको ये देखना पड़ेगा कि जब ये बातें हो रही हैं तो भारतवर्ष में शिक्षा की दशा क्या थी. तो जब भारत आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, तो शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब थी देश में. और जो सॉरी दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूलभूत हमको मतलब कि शैक्षिक जो लोग थे, शिक्षा से जुड़े हुए जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनको लगा कि शिक्षा का अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हमको दो सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति करनी होगी. कौन कौन से? पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हम सब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचा सकें, और इरेडिकेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी, जो वयस्कों में निरक्षरता का प्रतिशत है, जो निरक्षर वयस्क हैं हमारे समाज में, उनको हम निरक्षरता उनकी दूर कर सकें. अब चूंकि एडल्ट लिटरेसी या एडल्ट इलिटरेसी की बात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से टच किया है. ओके, और ये बार बार आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इसके मूल में जाने की ज़रूरत है कि UEE और एडल्ट एजुकेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे? जब तक एडल्ट एजुकेटेड नहीं होगा, लिटरेट नहीं होगा, तब तक वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, वो शिक्षा का महत्व नहीं समझेगा. इसलिए अगर आप UEE अचीव करना चाहते हैं तो आपको एडल्ट एजुकेशन को पहले प्राप्त करना है. दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन मिल गई है, इसका मतलब कि वो आगे, मतलब वो एक तो पहली बात लिटरेट हो गया, दूसरी बात तो वो एडल्ट लिटरेसी इलिटरेसी भी कम होगी, और अगर एडल्ट लिटरेट होगा तो यूईई को अचीव करने में आपको सहूलियत होगी. ठीक. तो जब संविधान बना तो उसका जो चौथा भाग था, जिसमें कि DPSP की बात की गई थी. क्या है DPSP? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य को आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ये फॉलो कर लीजिए. आप सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है. आप इस पर कोई कानून नहीं है, इसको आप फोर्सफुली नहीं लागू करवा सकते हैं. ओके, तो उसमें दो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 45, उनका शिक्षा से लेना देना रहा. जैसे कि आर्टिकल 41 ने कहा है कि द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू एजुकेशन. देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्ट कर रहा है केंद्र राज्य को कि स्टेट शैल, यानी राज्य करेगा, क्या करेगा, विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो उसकी आर्थिक उसकी क्षमता है और जो आर्थिक विकास की उसकी दर है, उसकी सीमाओं के अंतर्गत. तो यहीं डिफर हो जाएगा. कोई स्टेट कह देगा हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी ऐसी है ही नहीं कि हम शिक्षा पे खर्च कर सकें, कोई कहेगा हमारी बहुत खराब स्थिति है, कोई कहेगा हमें बाकी भी डेवलपमेंट करने हैं. मतलब कि यहाँ पे इनको सिर्फ इनको लगा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, कि DPSP में इसको रख देने से काम चल जाएगा, लेकिन काम चला नहीं, जैसा कि आप जानते हैं. तो आर्टिकल 41 ने तो ये कहा कि आप अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के तहत
शिक्षा को अधिकार बनाने की दृष्टि से इफेक्टिव प्रोविजन बनाइए। फिर आर्टिकल 45 क्या जो कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो आर्टिकल्स हैं, ये तो लंबा है इसलिए छोड़ दिया, इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं, लेकिन आर्टिकल 45 आपको एज इट इज याद करना है, शब्द से शब्द मिलाना है, एक भी शब्द आप इधर से उधर नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में उल्लिखित है। ओके तो आर्टिकल 45 ने क्या कहा, अंडर द सेम पार्ट व्हिच डील्स विद प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रोविजन की बात की आर्टिकल 45 ने। और इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है, किस तरह से, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड। यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि ये डीपीएसपी है इसलिए आप सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य करेगा, क्या करेगा, प्रयास करेगा टू प्रोवाइड, देने के लिए, क्या देने के लिए, within a period of 10 years from the commencement of this constitution। आपको पता है कि संविधान कब लागू हुआ, वो कह रहे हैं कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ही राज्य ये प्रयास करेगा कि सभी बच्चे जो 14 वर्ष तक की आयु के होने वाले हैं उनको आप मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे सकें। कब देश आजाद हुआ, कब संविधान बना, कब 10 साल पूरे हो गए, और आपको पिछले नहीं शायद अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि लिटरेसी का रेट स्टिल 2021-22 का डेटा या 2021-22 का डेटा है 77% है, यानी अभी भी हर 100 में 23 व्यक्ति निरक्षर है। ठीक है, ये है, इसी में लिखा है, द कंट्री हैज सिंस इंडिपेंडेंस मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द एरियाज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी। हमने वैसे बहुत तरक्की की है जब से हमने आज़ादी पाई है। लिटरेसी परसेंटेज इम्प्रूव फ्रॉम 16.7% इन 1951। आप देखिए 1951 में ये मात्र 16.7% था, यानी कि 100 में 17 लोग भी पढ़े हुए नहीं थे और पूरे के पूरे आपके 83 लोग निरक्षर थे। फिर ये 1981 में बढ़ा और 36.2% हुआ। 2011 में इसने काफ़ी तरक्की की और ये 74.04% हो गया, लेकिन अभी भी दिक्कत की बात ये रही कि जो मेल्स हैं वो तो 82.14% तक पहुंच गए, लेकिन फीमेल्स अभी भी 65.46% तक ही हैं, जो कि अब 2021-22 का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें ये जो साक्षरता की दर है वो 77.7% तक पहुँची है। ठीक है, तो ये दशा थी जब देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो उनके पास दो मुख्य मुद्दे थे जो उनको सुलझाने थे, पहले तो सब तक शिक्षा पहुंचा सके और जो वयस्क हैं निरक्षर हैं, क्योंकि वो तो अब आप उनको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रेगुलर स्कूलिंग में नहीं कर सकते हैं, तो आपको उनको कोई और तरीके से पढ़ाना होगा, लेकिन कम से कम आप उनको साक्षर कर सकें कि उनके रोजमर्रा के काम चल सकें और वो शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। ठीक है, आगे NPE on the goal of universalization। हमको अब लग रहा है कि NEP 2020 पे बहुत बात हो रही है, तीसरी इसकी वर्षगांठ बन रही है, समागम हो रहा है, संवाद हो रहा है, लेकिन अभी तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन NPE 1986 में पर भी बहुत काम हुआ है, बहुत बात हुई, आप देखिए उसको कब तक कोट करेंगे हम। तो इन मे 1986 पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE एंड इन अगस्त 1986 अप्रूव्ड अ डिटेल्ड POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वो कह रहे हैं कि संसद ने 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अडॉप्ट किया और अगस्त 1986 में ही अप्रूव कर दिया एक डिटेल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मतलब ये देखिए कि ये प्रोग्राम जो है वो एक्शन में कितना काम कर रहा है, कागज पे है कि वाकई इस पर काम हो रहा है। ठीक है, The NPE states the goals of universalization of elementary education and eradication of adult illiteracy। तो NPE ने ये कहा कि हमको ये पाना है, क्या UEE पाना है और हमको adult को literate बनाना है। तो वो क्या कह रहे हैं, NPE क्या कह रही है कि the universalization goal, whether of elementary education or adult illiteracy, adult literacy has two aspects। वो कह रहे हैं कि जो ये सार्वत्रिकरण का लक्ष्य है, चाहे वो प्राथमिक या एलिमेंट्री एजुकेशन का हो जिसको कि पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं, और चाहे वो वयस्क साक्षरता को का हो, उसके दो एस्पेक्ट होंगे। कौन कौन से एस्पेक्ट, पहला होगा यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन और दूसरा होगा यूनिवर्सल अटेंडमेंट। तो यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, खास साधारण सी बात है, सिंपल है कि सबको आप इनरोल कर सकें, मतलब सबका नामांकन हो
फिर नामांकन के बाद बच्चा ड्रॉप आउट ना हो तो इसलिए उसका रिटेंशन हो, यानी कि उसका धारण भी हो, उसको विद्यालय धारण करके रख सके, यानी कि यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन या पर्संस इन द रेलेवेंट एज ग्रुप इन द एलिमेंट्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन सिस्टम एंड देयर रेगुलर अटेंडेंस। यानी कि यूनिवर्सल इनरोलमेंट रिटेंशन अटेंडेंस अपने आप इम्प्लाइड है कि आप उसका एडमिशन हो, उसका इनरोलमेंट हो, वो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, एनएफई में धारण रहे, छोड़े नहीं और रोज आए। फिर यूनिवर्सल अटेनमेंट, फिर सिर्फ आए नहीं, कुछ प्राप्त भी कर सके, कुछ लाभ भी हो उसको। यूनिवर्सल अटेनमेंट बाय देम ऑफ एटलीस्ट द स्पेसिफाइड मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। क्या हासिल कर ले वो? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आपको पता है एमएलएल का भी कंसेप्ट आया, विद ड्यू स्ट्रेस ऑन द इनकल्केशन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज, जो मूलभूत मूल्य हैं उन पर ज्यादा बल दिया गया और कहा गया कि मिनिमम लेवल की लर्निंग वो कम से कम कर ले। तो द अबव टू कंपोनेंट्स कुड बी टर्म्ड एज द न्यूमेरिकल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल गोल। तो जो पहला वाला है यूनिवर्सल इनरोलमेंट और रिटेंशन, ये तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हो गया क्योंकि हम आंकी गणना कर सकते हैं कि हाँ कितने बच्चे इनरोल हुए, कितने ड्रॉप आउट हुए, कितने रिटेन हुए। और यूनिवर्सल अटेनमेंट क्या है? क्वालिटेटिव, कि जितने रिटेन रहे उन्होंने कितना अटेनमेंट पाया। तो ये न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मिलके गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन को पूरा करते हैं और एनपीई 1986 ये सब बातें कर रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन के कंटेक्स्ट में और एक एडल्ट एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। तो यूनिवर्सलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीई क्या कह रहा है कि इन द केस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, कहिए आप प्राइमरी या कहिए आप एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप प्राइमरी कहेंगे तो उसको यूपीई कहेंगे, अगर एलिमेंट्री कहेंगे तो यूईई कहेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन अटेन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लेवल्स बाई अ सर्टेन स्पेसिफाइड एज, यानी कि जो विशिष्ट आयु है, जो एक निश्चित विशिष्ट आयु है उसकी, वहां तक जब वो पहुंचे तो वो मिनिमम लेवल का सीख सका हो। क्योंकि एमएलएल पे आपसे पहले भी बात हो चुकी है, आप उसको पढ़ लीजिए वहां से। द यूपीई और यूईई गोल कुड बी अटेन्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, जो इनका गोल है उसको आप स्पेसिफिक टर्म्स में कैसे कह सकते हैं? अगर आप यूपीई कहेंगे, मतलब यूई एलिमेंट्री को अपर प्राइमरी कहते हैं, पोस्ट प्राइमरी मेरे मुंह से निकल गया था, तो यूपीई क्या है? टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड, ये हमको सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालक बाय द टाइम ही और शी अटेन्स अ स्पेसिफाइड एज, उस उम्र तक जब तक कि वो उस उम्र को, उस समय तक जब तक कि वो उस उम्र को प्राप्त करता है, वो कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्राप्त कर सके, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो सुनिश्चित है, जो पहले से बता दिया गया है कि आपको इतना सीखना है फॉर द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक के लिए, तो वो तो यूपीई है। और यूईई में यही एज हो जाएगी 14 वर्ष। टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड बाय द टाइम ही और शी अटेन्स द एज ऑफ अबाउट 14 ईयर्स अचीव्स एट लीस्ट द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अपर प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि बच्चा अगर 14 साल तक का हो गया है तो वो अपर प्राइमरी स्टेज की जितनी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है उसको हासिल कर सके, ये यूईई है। और अगर यूपीई है तो प्राइमरी स्टेज, जिस भी एज के लिए वो उसका पढ़ाई लिखाई है वो प्राप्त कर ले, यूईई है तो 14 वर्ष तक के लिए। फिर यूनिवर्सलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इन मे 1988 अ नेशनल लिटरेसी मिशन एनएलएम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी इन अ टाइम बाउंड मैनर। इन 1991 देयर विल बी एन एस्टिमेटेड 116 मिलियन इलिटरेट्स इन द कंट्री इन द 15 टू 35 एज ग्रुप। Mission seeks to impart functional literacy to 80 millions of these by 1995. अब देखिए इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग मतलब जब स्टूडेंट लेवल पे होते हैं या बच्चों को बहुत सारे, उनको लग रहा है ये इतने कमीशन हैं, इतने सब कुछ कैसे ईयर याद रखा जाए, तो आप कंसेप्ट याद रखिए ना, आप ये याद रखिए कि एनपीई ने कहा है कि आपको यूईई और एडल्ट एजुकेशन को प्राप्त करना है। तो नेशनल लिटरेसी मिशन बनाया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बनाया गया है वयस्क निरक्षरता को दूर करने के लिए। तो मतलब वैसे उन्होंने एज लेवल 15 से 35 लिया है, लेकिन फिर भी 35 तक गए हैं तो वयस्क निरक्षरता की बात, साक्षरता की बात कर ली, तो निश्चित रूप से ये 1986 के बाद गठित हुआ होगा। तो आप मतलब कम से कम मतलब ब्लंडर मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप कह देंगे 1950 में नेशनल लिटरेसी मिशन।
1986 के बाद ही बना होगा, तो 1988 में बना है। 19 इन्होंने ये कोशिश की, मतलब गणना की है कि 91 तक देश में 15 से 35 साल के में लगभग 116 करोड़ निरक्षर लोग होंगे, जिनको कि आपको जिनमें से 1995 तक आप इनके में से 80 मिलियन को आप पहुंचा देंगे, दे देंगे क्या फंक्शनल लिटरेसी, मतलब फंक्शनल जो मतलब कार्यात्मक साक्षरता, मतलब कि जिससे आपका काम चल जाए, फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम एज भूल जा रहे हैं, 15 से 35 था कि 20 से 40 था, क्या था। 14 वर्ष तक को तो यूईई में कवर कर लिया है, तो 15 से 35 एनएलएम में कवर कर लिया, हो गया आपका जन्म से लेके मतलब जो भी पढ़ने लिखने की उम्र है वहां से लेके 35 साल तक के लोगों का कवरेज हो गया। ठीक है, तो अब फंक्शनल लिटरेसी क्या है। फंक्शनल लिटरेसी फॉर द मिशन पर्पस हैज बीन डिफाइंड एज, वो कह रहे हैं कि किसको आप कहेंगे कि कार्यात्मक साक्षरता है, कार्यवाहक साक्षरता है बच्चे व्यक्ति के पास, तो उसके पास गुण होना चाहिए लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का, मतलब वो गणना कर सके, लिख पढ़ सके। एक्वायरिंग स्किल्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस एंड जनरल वेलबींग, उसके पास ये कौशल हो। ये वैसे मैंने एडल्ट एजुकेशन के डेवलपमेंट में भी आपसे डिस्कस किया था, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको। एक्वायरिंग स्किल्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस एंड जनरल वेलबींग, वो कह रहे हैं कि आप में कौशल आप सीख सकें जिससे आप अपनी आर्थिक दशा सुधार सकें, अपना मतलब वेलबींग को कहते हैं कल्याण, है ना, मतलब अपना कल्याण कर। फिर बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ डिप्राइवेशन एंड मूविंग टुवर्ड्स एमिलियोरेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वो व्यक्ति इतना अवेयर हो सके कि उसको समझ में आए कि इस चीज से दिक्कत हो रही है, कैसे आप करेंगे तो वे बेहतरी की तरफ जा सकेंगे, और वो राज्य के राष्ट्र के विकास में अपना पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित करे। और इम्बाइबिंग एसेंशियल वैल्यूज, उसके अंदर मूलभूत गुण आ जाएं जो पढ़ाई लिखाई चूंकि उसने नहीं की है, और वो उससे वंचित ना रह जाए। कौन कौन से गुण? राष्ट्रीय एकीकरण का, उसको समझ में आए कि पूरा राष्ट्र एक है। विमेन्स इक्वालिटी का, महिलाओं को वो समानता समता की दृष्टि से देखे। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो जो है आपका पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करे। और स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, वो समझे कि बड़ा परिवार चलाना, सबको शिक्षित करना, सबका भरण पोषण करना मुश्किल है, इसलिए छोटा परिवार रखे। इतना कुछ वो फंक्शनल लिटरेसी के तहत आपको सिखाना चाह रहे हैं, एनएलएम के तहत जो उन्होंने बनाई 1988 में। माना कि 1991 में 116 करोड़ हो गए, और ये माना कि 1995 तक हम 80 करोड़ को साक्षर कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट गोल इज एन ओपन एंडेड वन एंड इज परहैप्स बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लिस्ट्स एज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव क्या है कि हम इनरोलमेंट कर दें, रिटेंशन कर दें। क्वालिटेटिव क्या है कि हम अटेनमेंट उनको दे पाए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उनको दे पाए। तो वो कह रहे हैं कि जो संविधान का जो 51A अनुच्छेद है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक की ये मूलभूत उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एकदम उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए काम करना चाहिए, प्रत्येक स्फीयर में, वैयक्तिक स्फीयर हो, कलेक्टिव एक्टिविटी हो, जिससे कि हमारा राष्ट्र जो है वो उपलब्धि के हाइयर लेवल्स पे लगातार चलता चला जाए, बढ़ता चला जाए। इन द लाइट ऑफ व्हाट हैज बीन स्टेटेड अबव आवर गोल्स इन द एरियाज ऑफ एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन कुड बी समराइज्ड एज फॉलोज। वो कह रहे हैं कि जितनी बातें अभी तक हमने एलिमेंट्री एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन में कही उसको हम दो लाइन में समराइज कर सकते हैं। कौन सी? यूनिवर्सल अटेनमेंट ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग विद स्ट्रेस ऑन वैल्यू एजुकेशन एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस या लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। यानी कि MLL को हम यूनिवर्सल अटेनमेंट कर पाए, यानी कि सबके पास मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो, और वैल्यू एजुकेशन पे जिस पे बल दिया जाए, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ आप मूल्य मत भूलिए, और क्या करें, हमारे अंदर ये गुण हो कि हम सतत लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूइंग एजुकेशन पर बात कर सकें। आपको जब डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया वाला वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो उच्चतम स्तर या जो करंट लेवल चल रहा है एडल्ट एजुकेशन का, वो लाइफ लॉन्ग या कंटिन्यूइंग एजुकेशन का ही है।
कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब हम सब कुछ जान जाते हैं तब हम ये तार जोड़ पाते हैं, वरना हमको लगता है एडल्ट एजुकेशन कहीं अलग चल रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन कुछ अलग है, एनपीई का किसी से मतलब है, कोठारी कमीशन कुछ, सब कुछ एक साथ है, एक तार में जुड़ा हुआ है। जब हम सब जान जाते हैं तब हम ये तार, ये लिंकेज समझ पाते हैं। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड यूई, द कंसेप्ट ऑफ यूई, सो इट इज अ रिविजन सॉर्ट ऑफ वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।